नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं रोज़ कोई ना कोई टोटका डालता हूँ आपकी अपनी साइट पर, जिसमें आपको अपनी समस्याओं को हल करने के लिए धन संबंधी या और कई तरह की समस्याएं, उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कई नुस्खे या टोटके बताता हूँ। आज भी एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ जिससे आप पैसे की कमी को नहीं झेल सकेंगे और पैसे की कमी दूर हो जाएगी। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि एक पत्ता इस पेड़ का हमने घर की अलमारी या तिजोरी में डालना है और फिर होगी आपके घर में पैसे की बरसात। दोस्तों, ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे करने से आपके घर में पैसे की बरसात हो सकती है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि वीडियो में जो बता रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति पैसे की तंगी का सामना कर रहा है तो उसे प्रति मंगलवार को शनिवार को यह उपाय अपनाना चाहिए। इससे व्यक्ति की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और व्यक्ति मालामाल हो सकता है। इस प्रकार उपाय को करना है आपको। दोस्तों, आप मंगलवार और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर घर लाएं और ध्यान रखें कि पत्ता पूरा होना चाहिए, टूटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए और नीचे से गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसे पत्ते को स्वच्छ जल से धोकर कुमकुम या अष्ट गंधव से छोटी उंगली के पास वाली अनामिका उंगली से आप श्री राम नाम लिखें और नाम लिखते ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद श्री राम नाम लिखे हुए इस पत्ते को आप अपने घर की तिजोरी या गले में रख दें और वहां से अपने आसपास के किसी बजरंग बली के मंदिर जाकर वह हनुमान जी से अपनी मनोकामना कहें और चुपचाप पीछे मुड़ें और अपने घर चले आएं। ध्यान रखें कि इस उपाय को करने वाला भक्त किसी भी प्रकार के गलत कार्य ना करें, क्योंकि इस उपाय का प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा आपको। साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें। और फिर दोस्तों, आप इस उपाय को शनिवार और मंगलवार करते रहें, इस पत्ते को बदलते रहें और नया पत्ता लेते रहें और पुराने वाले पत्ते को किसी बहती नदी में या कुएं में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी और पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था उपाय जिससे आप अपनी पैसे संबंधी समस्या को हल कर सकते हैं और अपने आप को धनवान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया नुस्खा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।